बनाने वालों ने बड़ी जहमतें उठाई हैं। मेरी यह तमन्ना है कि अब इस मरहले पर हर शख्स इस कार्य खैर में दिल खोल कर हिस्सा ले और वह जो भी दे सके, कमियों बेशी का सवाल नहीं है, जो भी वो दे सके। इसलिए कि ये एक ही बारगाह है इस इमाम मजलूम के नाम से निस्बत पाने वाली, और बारगाहें नहीं हैं। सादात तो सब जानते हैं कि बादे करबला
نسب ختمی مرتبت بسلسلہ امامت باقی رہ گیا اسی آدم آل محمد سے. صاحبان علم جانتے ہیں کہ بعد کربلا پیغام محمد باقی رہ گیا اسی ذات گرامی سے. صوفیاء کرام جانتے ہیں کہ دنیا میں تو خیر جو بھی صحیح مگر مملکت پاکستان کے ایک ایک حصے میں ایک ایک ولی کی مزار پر جو ان کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے وہ داتا گنج بخش سید علی حجویری ہو یا کشمیر کے سید علی ہو یا ملتان کے بزرگ ہو یا کوئی اور ہو, ہر ایک اپنے سلسلے نسب کو امام زین العابدین تک پہنچاتا ہے. تو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ روحانی فیض پانے والوں کے لیے بھی وہی ایک واسطہ ہے سید سجاد. اس لیے اس بارگاہ کی تعمیر کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا, فقط اس واسطے کہ یہ عمارت کی حد تک ہی یہ کوششیں محدود نہ رہیں بلکہ ان کے پیغام کو, ان کے تصانیف کو, ان کے مواعظ کو, ان کے ارشادات کو, ان کی ان تمام روایتوں کو جو ان سے منسوب ہیں ایک جگہ کیا جائے اور اہل علم کی خدمت کی جائے کہ پہچانو اس معصوم کو جس معصوم نے کمال استبداد کا مقابلہ کرتے ہوئے اور مملکت وقت اور اس دور کی حکومت کے ظلم آمیز مصالح کو دیکھتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ اب تو پیغام محمد رہے گا, بہر قیمت رہے گا, بہر طور رہے گا. اب حکومت جو بھی طے کرے, تو ایسے دور میں ایک مرتبہ یہ قیام سید سجاد, قیام سید سجاد جو معروف ہے سجدے سے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس قیام سید سجاد نے ہم کو باقی رکھا, ہماری بقا, ہماری مجلسوں کی بقا, ہمارے عزا خانوں کی بقا, ہماری آئیڈینٹیٹی, ہماری انڈیویجویلٹی, ہماری انفرادیت, ہمارا وجود, یعنی ہم جو پہچنوائے گئے وہ اسی ذات گرامی. ظاہر ہے کہ میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ کہ آپ میں سے ہر ایک میرا نامہ بر ہے, آپ میں سے ہر ایک میرے پیام کو قوم کی رگ رگ میں پہنچانے والا ہے, آپ میں سے ہر ایک محصل ہے کہ وہ اپنی حد تک اپنے دائرہ اثر میں اپنی کوششوں کے ساتھ اس بارگاہ کی اعانت میں جد و جہد کرے تاکہ تعمیر اب ادھوری نہ رہے, کام مکمل ہو جائے.
कारकुनान ने यह तय किया है कि वह आपकी खिदमत के लिए यहां हाजिर रहेंगे, यह जरूरी नहीं है कि आप इसी वक्त दे दें। जाहिर है कि आप बेखबर आए हैं, मगर वादे हो सकते हैं। आपके वादों में भी बड़ी कुव्वत है, और वो कुव्वत जो बानियान के लिए हिम्मत बन जाए। मैं उस कुव्वत को चाहता हूं, उस कुव्वत के मुजाहरे को चाहता हूं। बहरहाल यह मेरी दरखास्त है कि मुमकिना जद्दोजहद इस इमाम बारगाह की एआनत के लिए की जाए। खुदा वंदे आलम आपके कारोबार में बरकत देगा। मैंने अपनी तमहीद ही में इस अपील को पेश किया है, अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं। आप अपने फरीजे को बेहतर समझते हैं। गुफ्तगू किसी खास उनवान पर मकसूद नहीं है। मैंने रात एक तवील तकरीर की है हुसैनिया अंजुमन ईरानियान, और तकरीर के दौरान मैंने ये वजाहत की कि इस वक्त मुल्क की सारी जमातें, इस वक्त मुल्क की बेहतरी चाहने वाले सारे सियासतदान किसी न किसी तरह से इस्लाम का नाम ले रहे हैं। सब ये चाहते हैं कि इस्लाम तारी हो जाए ममलिकत, इस्लाम का सिक्का जारी व सारी रहे। मगर इस सिलसिले में एक मुकम्मल लफ्ज के बाद, मुकम्मल लफ्ज है इस्लाम, अब उसके बाद जितनी इजाफतें आ रही हैं उन इजाफतों से न फकत हैरानी है बल्कि इंतशार। एक इजाफत है इस्लामी इनकलाब। मैं साहिबान अदब से दरखास्त करूंगा कि कभी इस उनवान पे गौर करें, इस्लामी इनकलाब। इस्लाम फिर तरकीब इस्लामी फिर इनकलाब। तो अब किस तरह से मुनकलिब करना चाहते हैं, तरकीबों को देखिए। एक तरकीब आई इस्लाम फिर इस्लामी फिर जमात। जमात तो 1400 बरस से है ना, इसी जमात से घबरा के इकबाल ने कहा था, अगर चे पुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म हवाला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर वो भी तो आपके मुफक्किर थे ना, अगर चे बुत है जमात की आस्तीनों में। किसी ने पूछा पलट के जमात से मुराद क्या है, अगर चे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अदाम। कैसे कैसे मुफक्किर उस दौर में थे, मगर उनको कहना पड़ा यह दौर अपने बराहीम की तलाश में है, यह दौर अपने बराहीम की तलाश में है।
सनम कदा है जहां ला इला इल्लल्लाह। ये तरकीबें के इस्लामी इश्तराकियत जब कोई आगे बढ़ रहा है मुफक्किर एक नई तरकीब को पेश कर रहा है इस्लाम के साथ तो क्या बुराई है इस्लामी मुलुकियत में? क्या बुराई है इस्लामी शहंशाही में जहां 1952 तक हर नमाज जुमा में खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन के नाम का खुतबा पढ़ा गया फारूक के नाम से और फिर दुनिया को यह बतलाया गया कि खलीफतुल मुस्लिमीन जी रहा है जिंदा है और जब उसको हटाया जाने लगा तो दुनिया में हंगामा हुआ और कहा कि नहीं हम तो खलीफा चाहते हैं। तहरीक खिलाफत तो अब्दुल मजीद खां के बाद ही से शुरू हो गई थी तो वो भी तो एक तरकीब थी ना। इस्लामी मोनार्की इस्लामी शहंशाही क्या बुराई है इस तरकीब में? तो अब उसके बाद आखिरी मंजिल पर ज्यादा वक्त न लेते हुए ये जानकर कि आज फुर्सत का दिन है आपके और भी काम है मगर फिक्र को तो अपनी ताजा रखिए आपको आगे बढ़ना है मझधार में जाना है इस्लामी जमहूरियत। मैं देख रहा हूं कि एक मुकम्मल लफ्ज आ चुका था कुरान में इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। अब उसमें जहां कहीं से आपने इजाफे की कोशिश की नक्स पैदा हुआ आपने उसको आयबदार कर दिया आपने अपने दिल के जंगालू दाइने में इस्लाम को देखा। अब उसके बाद अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ गया कमलुकियत फरसूदा निजाम शहंशाहियत फरसूदा निजाम भाई अब मंजिल यहां तक पहुंची कि कुरान के अहकाम और सुन्नत रसूल की बातें अब ये भी कोहनो फरसूदा हो गई हैं। 1400 बरस गुजर गए कोई नया रास्ता निकालेंगे इज्तिहाद करें शौक से इश्तेहाद की कब इसमें फरसूदगी है। अब यह फिक्र कहीं से आई मुसलमानों ही के तबके में से कहीं से यह फिक्र आई कि यह फरसूदगी है तो इधर से जवाब आया नहीं उसी निजाम को हम कायम करें वही निजाम तो जाहिर है कि हम तो मिल्लत का इतिहाद चाहते हैं मुबारक होगा अगर खिलाफत राशिदा का निजाम फिर मुसलमान कायम कर सके मुबारक होगा वो दिन मगर उस दिन सदर को दाढ़ी भी रखनी होगी उस दिन सदर ममलिकत को सुबह की नमाज भी पढ़ानी होगी उस दिन सदर ममलिकत को जुमे की नमाज के लिए भी जाना पड़ेगा उस दिन सदर ममलिकत को काजी के पास सामने खड़े होना पड़ेगा उस दिन सदर ममलिकत को बैतुल माल से उतना ही लेना पड़ेगा जितना दूसरा फकीर ले रहा है उस दिन सदर ममलिकत किसी की दावत को कबूल न कर सकेगा और अगर ये सब नहीं है सदर अपनी राह पे जाएगा उस पर फकत आप मुहर लगाना चाहते हैं खिलाफत राशिदा की तो यह निजाम बातिल है। आप देख रहे हैं ये मैं दीन और दियानत की बातें कर रहा हूं फिर कवारियत की नहीं
अरे खुदा के लिए खिलाफत राशिदा का पीछा छोड़ो, उसको तो बदनाम ना करो। ये उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? वरना आपके हुक्मरानों के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। उस निजाम पे चलेंगे आप, उस निजाम पे चलेंगे। अरे आप ही तो कहते थे इनके हज के लिए तशरीफ ले गए तो गुलाम ऊंट पे था और खलीफा वक्त पैदल चल रहा था। आपका सदर भी ऐसा ही करेगा? हम वही निजाम लाएंगे। तो जरूर लाएं, जरूर लाएं। अक्सरियत जो चाहे कर ले, खुद आप कह रहे हैं अक्सरियत जो चाहेगी कर ले। जाहिर है अक्सरियत ने हमेशा जो चाहा वही किया, अक्सरियत ने जो चाहा वही किया। मैंने आपके इस दावे में यकीनन ताकत है, अक्सरियत जो चाहे कर सकती, मगर अक्सरियत ये न समझे कि आप और अकलियतों की तरह हम परेशान हालों को कुचल देंगे। अक्सरियत ये न समझे इसलिए कि ये अकलियत कुछ और है, ये अकलियत कुछ और है। यहां एक का वजूद सारी इंसानियत के मुकाबिल आता है। एक का वजूद, मुफस्सिरीन ने कहा कि सूरह हम में जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया? इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, हम वय्याका नस्तईन, और हम तुझसे मदद चाहते, जबकि मैं तन्हा खड़े होकर कह रहा हूं। वहां तो इया का आबुदू चाहिए था, जो मैं तेरी इबादत करता हूं, ये हम तेरी इबादत करते हैं, इससे क्या फायदा होगा? तो उरफान ने कहा हमारे इस हम में कुछ और भी शरीक है। तो होता यह है, फिका का मसला बाब मकासिब का यह है कि अगर आपके सामने गंदम जौ ब्रंज का ढेर लगा दिया जाए और एक आ जाए कीमत यह है, तो आपको यह हक नहीं पहुंचता कि चावल चुन के लूंगा, गेहूं का एक एक दाना चुन के लूंगा। बाबुल मकासिब यह है कि या सब ले या सब वापस कर दे। इसीलिए जात वाजिब को अरहमुर रहमीन जानकर हम अपने में किसी ऐसे को शामिल कर रहे हैं कि उनके सबके में हमारी इबादत को मिले। देखा, यह है वो अकलियत कि उस एक को ले लिया है इय्याका नअबुदु में, और किसको लिया, किसको लिया? नमाज शुरू की आबिद बीमार, मालिक यौमिद्दीन तक आए, उसके बाद का इय्याका नअबुदु वो इय्याका नस्तईन। खादिम कहता है रुके, फिर कहा इय्याका नअबुदु वो इय्याका नस्तईन, फिर रुके, फिर कहा इय्याका नअबुदु वो इय्याका नस्तईन। एक मर्तबा खादिम कहता है कि मुझ पर आसार गशी के तारी हुए,
इसलिए कि अब जब तीसरी मर्तबा जबान से निकला तो दरो दीवार से आवाज आ रही थी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब असली इबारत को सुन लीजिए कि जब इमाम से खादिम ने पूछा फर्जंद रसूल क्या था, क्यों तकरार हो रही थी, इरशाद फरमाया करर तो हा व करर तो हा समय तो लिखा, मैंने इतनी तकरार की कि इय्याका नअबुदु कहने वाले ने कहा इय्याका नअबुदु। देखा आपने, इस अकलियत को हम लिए हुए जा रहे हैं तो इसलिए हमको खुदा गवाह है कि अपनी बंदगी पे भी नाज है, अपने अमल पे भी नाज है, अपने शार पे भी नाज है, यानी ये सब शार है ना, शार मिल्लत, शार पे भी नाज। और फिर हम ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। इसलिए अगर अक्सरियत ये समझती है कि वो अपने आप को इस काबिल पाती है कि जो चाहे मनवा ले तो शौक से मनवा ले, शौक से मनवा। एहतजाज हमने कभी नहीं किया, एहतजाज की आदत नहीं है। इसलिए जो आप ही मर रहा हो उसको अगर मारा तो क्या मारा। इस इशारे को आपने समझा, एहतजाज काहे का, यानी हमको मालूम है कि जहां से ये आवाज बुलंद हो रही है वहीं से जिद पे आवाज बुलंद हो रही है, और फिर इस शान से आवाज बुलंद हो रही है, आग लगा देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे, कत्ल कर देंगे। आप तो निजाम कायम कर रहे हैं, वो जलाना चाहते हैं। आपने देखा तो हम क्यों दरमियान में एहतजाज की एक आवाज बुलंद करें, आप जाने वो जाने आपका निजाम जाने उस निजाम की मुखालफत करने वाले जाने, मगर बात यह है कि अगर जमहूरियत को आप सही समझते हैं तो शाही तो गई, शहनशाही भी गई, ईमान और अपने दिल की सारी कुव्वतों को सामने रख के देखिए, रसूल वही का पाबंद, खुलफाए राशिदीन अपनी अपनी बसीरत पर चले, अपनी अपनी बसीरत पर चले। वो वक्त था उनको ऐसा ही करना था, किया। और बनी उमैया न वही थी न बसीरत, अपनी मर्जी पर गए, ख्वाहिश नफ्स पे गए, शहवात पे गए। बनी अब्बास अय्याशियों में मुब्तला हो गए, सामानी सलजूकी तातारी आले उस्मान फातिमीन मिस्र खुलफाए तुर्क अरब हुक्मरान अपनी अपनी आमिरियत के साथ आगे बढ़े। सारी जिंदगी तो आपकी इस अंदाज से गुजरी, यह पूरी तारीख है। ये इस पूरी तारीख में किसी मकाम पर कहीं कोई बतला दे कि मिल्लत से मशवरा लिया गया हो, मिल्लत से मशवरा लिया गया हो कोई बतला दे। और जब बादशाहों से पूछा गया कि आप मिल्लत से क्यों मशवरा नहीं लेते तो उलमा दरमियान में, और कहा क्यों ले मशवरा, कुरान ने नहीं कहा कि मिल्लत से मशवरा लो,
قرآن نے کہا فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو, ملت پوری جاننے والی نہیں ہے. ہر مقام پر علماء ملوکیت کے لیے سینہ سپر ہوتے رہے. آپ سایہ الہی ہیں, آپ ذل ہمایونی ہیں, آپ نسلن بعد نسلن آپ کو ڈیوائن اتھارٹی حاصل ہے, الہی حقوق آپ کو پہنچتے ہیں. باپ کے بعد بیٹا ہے, بیٹے کے بعد پوتا ہے, بیس بیس پشتیں گزر گئی ہیں. تو اس وقت ہمارے علماء نہیں تھے؟ ارے کیسے کیسے علماء کا زمانہ ہے, کیسے کیسے جن پہ آج ناز کرتے ہو, جن کی کتابیں پڑھ کے سر دھنتے ہو, ابن تیمیہ, ابن حزم, ابن کثیر, ابن عسیر, غزالی, محی الدین عربی. میں نے اپنے کسی عالم کا نام نہیں لیا ہے. نہیں, ایسے ایسے علماء موجود تھے, انہوں نے کوئی ترکیب نہیں نکالی, انہوں نے کوئی ترکیب نہیں نکالی اسلامی نظام کی. اور پھر آج یہ شور کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو, تو ہم کب نہیں چاہتے؟ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں, مگر پہلے اسلام کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, پہلے اسلام کی تعریف کرنی ہوگی, اسلام کی تعریف کرنی ہوگی. اور اسلام کی تعریف اس لیے ناممکن ہے کہ شے مجرد کی, ایبسٹریکٹ چیزوں کی تعریف نہیں ہوتی. کیا تعریف ہے شجاعت کی؟ شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ جب تک کہ شجاع نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تعریف ہے ثقافت کی؟ جب تک کہ سخی سامنے نہ ہو. کیا تعریف ہے علم کی؟ جب تک عالم سامنے نہ ہو. مجردات کی تعریف کیسے ہوگی؟ جب تک کہ ممثلات نہ ہو. اس اصطلاح کو آپ سمجھ, یعنی کوئی مثال بن کر آ جائے. کیا تعریف ہے اسلام کی؟ کیا تعریف ہے اسلام کی؟ اب آج میں کس کے اسلام کو اسلام سمجھوں؟ خیبر سے لے کے کراچی تک سب کہتے ہیں ہم اسلام لائیں, ہم نظام اسلام قائم کریں. تو کس کو ممثل اسلام سمجھوں؟ اسلام کی صورت کون ہے؟ کس کو دیکھ کے کہوں یہ اسلام؟ اس لیے کہ تاریخ میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں, دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے. اکثریت ایک طرف, لاکھوں ایک طرف, شاہی ایک طرف, شاہی کی مدح و ثنا کرنے والے مفتی ایک طرف, قتل کے فتوا دینے والے علماء ایک طرف, اور اسلام فقط ایک انسان, انا ابن مکہ و منا. انا ابن زمزم و صفا, میں ہوں مکہ و منا کا بیٹا, میں ہوں زمزم و صفا کا فرزند. امام زین العابدین کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے باپ حسین ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا باپ, میرے اجداد مکہ و منا ہے. آپ سمجھ رہے مطلب؟ کہ جیسے اسلام سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ
شخص سامنے نہ ہو ویسے مکہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ شخص سامنے نہ ہو یہی مکہ ہے یہی منا ہے یہی زمزم ہے یہی صفا ہے یہی مشعر ہے یہی عرفات ہے اور یہی ہے وہ جو اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہے تو عزیزان گرامی ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہم نے مطالعہ کیا ہم روز کے اخبار پڑھتے ہیں اور اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ احباب یہ سمجھ کر کہ شاید نظر نہیں جاتی اس طرح سے کٹنگز بھیجتے ہیں وقت کے مشہور عالم کا بیان روزنامہ جنگ کراچی کہ ہم حضرت فاروق اعظم کا نظام پاکستان میں قائم کریں شوق سے قائم کریں شوق سے قائم کریں یعنی اس میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے عمل کی ضرورت دعوے کی ضرورت نہیں عمل کی ضرورت اور عمل کی منزل پہ مشکلات بہت ہیں مشکلات بہت ہیں بہت دور واپس جانا پڑے گا دیکھیں میں نے آپ کو کٹنگ تو بتلا دی میں نے نام بھی نہیں لیا اور نہ میں نے یہ مناسب جانا کہ اس کا ذکر ہو ممبر پر لیکن میرے موضوع سے اور میرے مقصد سے یہ چیز متصل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نظام قائم کریں گے ضرور قائم ضرور قائم اور پھر وہی نظام جہاں فتوحات ہوں جن کا نظام آپ قائم کریں گے وہاں فتوحات وہاں ایران بھی فتح ہو اسپین بھی فتح ہو سواحل افریقہ پر بھی فوجیں جائیں کشمیر پہ بھی حملہ ہو وہی نظام ہاں ہوشیار اگر اس نظام کو قائم کرنا ہے تو وہی قائم کرو مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کریڈٹ کس کو ملے گا آپ کو نہیں معلوم کریڈٹ کس کو ملے گا بہت عجیب بات ہے ایران کو فتح کیا کسی اور نے کسی اور نے فتح کیا نا ایران اور کریڈٹ کس کو ملا تعریف کس کی ہوئی اقبال نے کہا مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو کس نے وہ کیا تھا زور حیدر فخر بوذر صدق سلمانی آپ دیکھ رہے ہیں محنت کرے کون اور آپ کا فلسفی تعریف کرے کس کی اور پڑھنے والے وجد و رقص کے عالم میں پڑھیں کہ کیا کہا ارے غور تو کیجئے کیا کہا تو آپ جو نظام کا ہے مگر چونکہ آپ کو بہت دور تک واپس جانا پڑے گا لیے زمانہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آثار قدیمہ میں رکھا جائے زمانہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سنت کی باتیں بے محل ہیں زمانہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا نظام خود بنائیں آپ بین الاقوامی تعلقات میں الجھے ہوئے طویل المیعاد سودی قرضوں کے اسیر اور پھر شراب پر
टैक्स लगाकर आमदनी में इजाफा करने वाले, मुनशियात का व्यापार करने वाले, हराम और हलाल में तमीज न करने वाले अपने आप को वापस कैसे ले जाए? बहुत अजीब बात है, ऐसा नहीं, बहुत गौर से सोचिए, तन्हाई में सोचिए, एक मर्तबा बिल्कुल सन्नाटा हो और आप सोचे कि हो क्या रहा, आप वापस कैसे जाइए, जरूर जाइए, मुबारक दौर है, हमको इनकार नहीं है, खुदा की कसम हमने बड़ा एहतराम किया है सबका, कभी गलत गुफ्तगू नहीं करेंगे हम, और मेंटल रिजर्वेशन से बातें नहीं होंगी, दिमागी तहफ्फुज़ात से बातें नहीं होंगी। आप उतनी दूर जो वापस जा रहे हैं तो कभी ये भी तो सोचें कि क्या कोई ऐसा भी निजाम है जो कभी फरसूदा ही ना हो, क्या कोई ऐसा भी निजाम है कि जिसमें कोहनापन ना आए और इस्लाम की जान बन जाए? मैं आपसे ये नहीं चाहूंगा कि आप मुअम्मों को हल करें, साफ साफ गुफ्तगू, बस एक निजाम है, एक निजाम है, और वह निजाम है फसल्ले ले रब्बे का वनहर, सजदा कुर्बानी, इसमें फरसूदगी नहीं है, इसमें कोहनगी नहीं है, आप समझ नहीं है, आप एहतियात के बंदे हैं, अपने आप को आपने पैदा नहीं किया, अपनी मौत को रोक नहीं सकते, जाती हुई जवानी को रोक नहीं सकते, किसी की बारगाह में आपकी इल्हाओ जारी लाजिम है, इसलिए सजदा, और अपनी हिफाजत के लिए, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए कुर्बानी। ये निजाम फरसूदा नहीं हुआ। अब कोई इंसान कहीं से खड़ा हो जाए, सारी दुनिया का इंसान, वो यही कहे कि अल्लाह का नाम लेके हम तो कुर्बानी दें, आपने देखा कुर्बानी में कोहनगी नहीं है, कुर्बानी में फरसूदगी नहीं है। फसल्ले लिरब्बे का वनहर, रब का सजदा और कुर्बान। और इसीलिए मैं रात को भी अर्ज कर रहा था, सूरह अलक पहला सूरह है, पहली वही रब्बानी है, और इस वही रब्बानी का आखिरी टुकड़ा अजाइम कुरान से है, जिसको आप नमाज में नहीं पढ़ सकते हैं, सजदा वाजिब होता है, इसलिए वो सूरह जिनमें सजदा वाजिब होता है आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते। तो ये अजाइम कुरान में है सूरह इकरा, और सूरह इकरा की आखिरी आयत यह है कि मैं पहला टुकड़ा तो अरबी में पढ़ूंगा और दूसरा टुकड़ा उर्दू में। इरशाद हुआ कि यह इंसान बागी हो गया है, लातुते हो, खबरदार उसकी इताअत न करना, सजदा करना, हमारा कुर्ब हासिल करना। यह आखिरी टुकड़ा है सूरह इकरा, सजदा करना, हमारा कुर्ब हासिल करना। तो सजदा जाने बंदगी है, सजदा रूहे बंदगी, सजदा हकीकत बंदगी, सजदा तजदीद हयात मोमिन, सजदा रूह की ताजगी है, सजदगा सजदा कल्ब मोमिन की शादाबी है। सजदा करके देखो, कोहनगी नहीं है, जहां चाहे सजदा करो, जहां चाहे सजदा करो, और सजदा टकराव है बातिल की ताकतों से। बयात न ले सकोगे इसलिए कि सजदा कर रहा है, जंजीर पहना दो,
सजदे नहीं रुकते। ले जाओ दयार बदया, सजदों में कमी नहीं होती। कैद करके रखो, सजदे रुकते नहीं। सजदा वो निजाम है कि जहां हकीकत हयात नजर आती है, मगर यही कि सजदा कुर्बान, सजदा और कुर्बान, इस उन्वान पर अगर कोई निजाम कायम हो रहा है और दोनों को मिला के कोई लेके चलना चाहता है, सिर्फ कुर्बानी की मंजिल पर कोई आए और तलवार सौंप के आगे बढ़ जाए, सजदे का मुनकिर हो, ठोकर खाएगा, ठोकर खाएगा। और सिर्फ सजदे ही सजदे होंगे तो तसव्वुफ की जिंदगी हो, रूहानियत की जिंदगी हो, पहाड़ों पे बैठना पड़ेगा। आपने अभी आपने नाम सुना इब्राहिम अदहम, हम आसर है हजरत सैयद सज्जा, इसी तरह से हसन बसरी, सूफिया इकराम के अहम मनासर, हम आसर है इमाम ज़ैनुलाबदीन। मगर हुकूमत को यह जिद कि इस नस्ल को मिटा दूं, और सजदों का वज़ार कि अब यही नस्ल रहेगी और किसी की नस्ल नहीं रहेगी। यही नस्ल रहे, सजदा कुर्बानी, औलाद के लिए राह मुअय्यन कर दी, वो कहीं हो, वो जैद शहीद हो, यहिया इब्न जैद है, जैद की औलाद, हुसैन ज़ुद्दमा की औलाद, हजरत उमर अशरफ की औलाद, हुसैन असगर की औलाद, और आखिर में सजदा और कुर्बानी काजी नूरुल्लाह सूफी। हुकूमत से टकराव, और कैसी हुकूमत जिसकी तारीफ में जबाने खाते, यह नहीं कि असबियत की बिना पे कह रहा हूं कि काजी नूरुल्लाह शुस्तरी को कत्ल कर दिया गया, सूली दे दी गई, नहीं अबुल फजल को भी तो मारा, अबुल फजल को भी तो मारा। तो आपने देखा कि हुकूमतों को यह जिद कि न रहे ये खानदान, और सजदों में यह ताकत कि हम ही रहेंगे, हम ही रहेंगे। कहां कहां है औरंगजेब की औलाद, कहां है अब्बासी शहजादे, कहां है बनी उमैया की नफर, कहां है सामानो सलजुक के नाम लेवा। रह गया वही एक घर जिसको ये समझ के तबाह किया था कि करबला यानी खत्म, दास्तान मोहम्मद खत्म, मगर जैसा कि कभी अर्ज किया, सिलसिला कौल है इस घराने, वसल कौल, बाप ने सजदे पे खत्म किया, बेटे ने सजदे से शुरू किया। सैयद सज्जा, मैं मकसद से अलग नहीं हूं, मकसद से अलग नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए अब इस मंजिल पर मैं अपनी इसी बारगाह की, जबकि यह इमारत नहीं बनी थी और मैं उस मैदान में तकरीर कर रहा था, मैंने एक अमर की वजाहत की है, और जाहिर है कि मेरी तकरीरें महफूज हैं, इसलिए मैं मुतमईन हूं कि जो कह रहा हूं
کرسی یقیناً قوم حفاظت کرے گی. دیکھیے دور امام باقر اور دور امام جعفر صادقین کا دور اگرچہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو کہنے کا یہ امکان ہے کہ امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یہ مکاتب فقہی ہیں. ہم کو اختیار جس مجتہد کی جا کے پیروی کریں، جو چاہیں اور جس طرح سے چاہیں اس کو قبول کریں. سمجھے گا مقابل پر فقہا ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بعد کربلا وہ کون فقی ہے جو مقابل میں عابد ابی مار کے آئے؟ کسی کا نام لیجیے کہ 60 ہجری میں کوئی فقی تھا اور جس کا مکتب فقی آج ہو. بھائی عجیب گفتگو ہے اور میں اپنے سلسلہ فکر سے متصل ہوں. دیکھیے امام اعظم کی ولادت 80، وفات 150. امام مالک کی ولادت 90 ہجری، وفات 179. امام شافعی کی ولادت 150، وفات 204. اور اس طرح سے امام احمد بن حنبل سب سے آخر میں آتے ہیں، 141 کی ولادت. واقعی کربلا 60 ہجری. آپ نے کہا یہ حنفی فقہ ہے، یہ شافعی فقہ ہے، یہ مالکی فقہ ہے، یہ حنبلی فقہ ہے، یہ جعفری فقہ ہے، اور یہ فرقہ مسلم ہے. آپ نے کہا نا، ابھی کہا نا فرقہ مسلم، تو آپ کو کہنے کو حق ہے. ایک فقہا تھے. میں اس دور کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں یا عابد بیمار تھے یا نبی. اس دور میں آپ کس اقلیت کو پسند کریں گے اور کس اقلیت سے گریز کریں گے؟ اپنے اکثریت حکومت کے ساتھ اور اقلیت اتنی تنہا تنہا اور کسی کی اتنی ذمہ داری پڑی کہ محمد کی نظر اس پر، علی کی نگاہیں اس پر، فاطمہ کی دعائیں اس کے پر، حسین ابن علی کی تمناؤں کا مرکز، اکیلے سید سجاد اور زمانہ منحرف. کیا کر لیا اکثریت؟ اب سمجھ گئے اس قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا. کیا کر لیا اکثریت نے؟ طاقت نے کیا کیا؟ ملوکیت نے کیا کیا؟ شہنشاہیت نے کیا کیا؟ اور اس وقت اگر کچھ نہ کر نہ سکے تو آج کس کو ڈراتے ہو آپ؟ یہ باتیں اب رہنے دیجئے، سب یہ سب باتیں رہنے دیجئے. اقلیت کی فتح اس شان کی فتح کہ ہر جگہ سفارت خانہ. اب نام لے لے کے دل میں سوچتے جائیے کسی اور کے بھی ہیں سفارت خانے. کسی اور کے نام سے بھی کچھ بنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابن مکہ و منا، خانہ حق سے نسبت انہی کو ہے، کسی اور کو نہیں. کہاں کہا یہ؟ محمد بن اسحاق الفرائنی علماء اہل سنت والجماعہ کا مشہور عالم مقتل نگار، پہلا مقتل جو مفصل لکھا گیا عام مسلمان، اس نے دیا ہے یہ خطبہ شام کا. جابر بیمار نے کہا ان ابن مکہ. تو دربار میں اتنے بڑے بڑے قابل فاضل علماء ادیب فصیح البیان مقرر
तमाम सब बैठे हुए थे, किसी की मजाल थी के टोक दे, आप क्या कह रहे हैं, क्या आप सूफी हैं, किसी की मजाल थी जो टोक। हाकिम भी सर निगुं था और दरबार वाले भी हैरान, और जो जब मसरत है मेरी शहजादी भतीजे की सूरत देखकर। यह है हमारी फतह, यह है हमारी फतह। मैं मक्का और मीना का बेटा हूं, मैं जमजम और फारूक का बेटा हूं। तो यह दावा अनबन मक्का और मीना तारीख में, पूरी तारीख में, तारीख नबूवत में, तारीख इमामत में सिर्फ दो हस्तियों ने किया है, और इत्तेफाक से दोनों हस्तियों ने शाम के दरबार में यह दावा किया। ये अली ने नहीं कहा अनबन मक्का और मीना, मोहम्मद ने नहीं कहा अनबन मक्का और मीना, इमाम बाकर ने नहीं कहा, इमाम सादिक ने नहीं कहा, हुसैन इब्न अली ने नहीं कहा, सिर्फ दो इमाम, एक हसन मुश्तबा ने कहा अमीर शाम के साथ, जब मैं मक्का और मीना था, एक आबिद बीमार ने कहा मैं मक्का और मीना का बेटा, ये दोनों ही को हक पहुंचता था, इसलिए ये दोनों ही की नस्ल है जो कयामत तक जाएगी। अब आप समझ गए। तो अजीजों, कुछ हैरानियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ बदलते हुए आसार, मगर हर बदलते हुए आसार को अपने लिए मुआफिक जाना, हर बदलती हुई कैफियत को अपने लिए बेहतर समझना, हर आने वाली तब्दीली को मसर्रत कबूल करो, इसलिए कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी बेहतरी आने वाकिफ के लिए, आने वाकिफ के लिए कहीं किसी मंदिर पर नुकसान की सूरत नहीं है। मैं मजीद गुफ्तगु को साहिबान फिक्र के लिए अजियत दे समझता हूं, वो तो समझ रहे हैं, इसलिए इनको तो इतना मौका दो कि ये अपने आप को समझ लें, इतना मौका दो कि ये एक दूसरे से निपट लें, इनको इतना मौका दो कि एक दूसरे को पहचान लें। आपने देखा, इसलिए कि सब कुछ हो सकता, सब कुछ हो सकता, मगर आज या कयामत तक यह मम्लिकत हो या कोई और, दुनिया ये तो नहीं कह सकते कि हम हुसैन का दुश्मन है, सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, मुफज्जल इब्न उमर हाजिर है, बड़ा मशहूर रावी है, असहाब इजमा में से है, हाजिर है। आपने शायद सुना मुफज्जल, क्या तू ये समझता है कि दुनिया आले मोहम्मद की दुश्मन है? नहीं, दुनिया आले मोहम्मद का नाम लेके अपना काम निकालना चाहती है, दुनिया को दुश्मनी तुमसे है कि तुमने दामन क्यों थामा हमारा। यह इमाम सादिक है, दुनिया की मजाल नहीं है जो हमारा नाम लेके कहे हम इनके दुश्मन हैं, दुनिया को दुश्मनी तो तुमसे है कि तुमने इनका साथ क्यों दिया। फजल की उम्र ने खत्म पत्थर रख के कहा कि हजार जाने सबसे होगा जब तक कुर्बानी की मंजिल वापस, ये पैगाम बाकी रहेगा, दुनिया आले मोहम्मद के लिए कोई नुकसान रफा साबित नहीं हो सकती, आले मोहम्मद के लिए नुकसान रफा साबित नहीं हो सकती, इनसे राजी तौर में दुश्मनी होगी, कहीं आप किसी मकाम पर आ जाएं हजार वादों के बावजूद
फिर भी दुनिया इशारा करके कहेगी अली वाला है। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? हजार बातों के बावजूद आप आ जाएं तो फिर भी चश्मकें होंगी, होशियार अली वाला है, अली वाला है। गुफ्तगु अली से नहीं है, इसलिए कि राशिदीन में वो भी है। आपने देखा राशिदीन में तो वो भी, जब हक ये है किसी को कि हम एक निजाम को कायम करेंगे तो दूसरे को भी ये गुफ्तगू होगी कि राशिदीन में एक और भी तो है, उसका निजाम महंगा पड़ेगा, बड़ा सख्त पड़ेगा। दूसरे से लिखा पसरे को उस्मान इब्ने हुनैफ को कि उस्मान इब्ने हुनैफ मुझे इत्तला मिली है कुछ दिनों पहले तुम दावत में चले गए, उस्मान इब्ने हुनैफ पसरे में कोई भूखा नहीं है, तुम उस वक्त दावत में शरीक थे कि गनीयहुम मदउफ़ वह आइलहुम मदउफ़, कि उसके दौलतमंदों को दावत में बुलाया गया था और उसके गरीब भूखे मर रहे थे। तो तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा इमाम कौन है? लकुल मामूम इमाम, हर मामूम के लिए एक इमाम होता है। यक्तदी बही वो यक्तदी वे नूर इल्म, जो उसका इक्तदा करता है, जो उसके इल्म से फैज़याब होता है। और मैं तुम्हारा इमाम हूं, अलाओ वही नहीं मामो तुम खद इतफाओ मिन दुनिया हूं मैं तुम रही वो मिन तो नहीं मैं खुश रही। तुम्हारे इमाम ने इस दुनिया में से दो पैराहन लिए तो दो की रोटियां ली, दो पैराहन लिए दो जो की रोटियां, अल्लाह वही नकुम लाता देरून अला जालिक, ये अली का फैसला है कयामत तक। तुम कयामत तक ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या कौन सा निजाम लाना चाहते हैं? ये अली का फैसला अला वही नकुम लाता देरून अला जालिक, तुमको कुदरत नहीं है इस अमर पर कि तुम भी दो जौ की रोटियां और दो पैराहन पर इक्तफा कर जाओ। लेकिन आईनूनी व्यवहार इन वसीदाओ, लेकिन अली का हाथ तो बटाओ, वरो तकवान अली की मदद तो करो। भला हां कानत की अदीना फटक, हां हमारे हाथों में फटक था, चार दरख्त नहीं थे खजूर के, वो कोई जमीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा नहीं था जिसमें दस दरखों और मत भला कानत किया जीना फरक बिल्कुल माँ अजल्लत को समा, आसमान ने जिस पर साया किया उस सारी मिल्कियत में हमारे पास एक ही चीज थी सदक, शफ़त अलैहा नुफूस कौम, तो जिससे कुछ लोगों ने बखालत वो सकत अनहा नुफूस कौम आखरीन, और किसी कौम ने सखावत ने उसको किसी और को दे दिया। किसी ने बकुल किया किसी ने सखावत की, लेकिन आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं माल अली जिन व फिदक, आज अली को फिदक से क्या काम? एक अजीब मसला पैदा हो गया, एक अजीब मसला, इख्तलाफी सही हक नहीं था जहरा का सही, ले लेना था हुकूमत को सही, मगर रसूल ने दिया था कि नहीं दिया था? अगर दिया था तो जाती मिल्कियत है कि नहीं? इन्हें मतलब यह कि फिदक को तस्लीम करने वाले वो किसी फिरके फिका से हो मकतबे फिका, रसूल की अता से तो गाफिल नहीं है। सारी दुनिया ने कहा कि ले लिया तो ले लिया उसको जिसको दिया था, तो जब रसूल जानते थे कि किसी शख्स की जाती मिल्कियत कुछ नहीं होती तो बेटी को यह दिया क्यों?
हमारा एतदाल तबाह आपने देखा। हर शख्स की अपनी मिल्कियत, हर शख्स के अपने हुकूम। सैयद सज्जाद जिनके जिक्र के लिए आप जमा हैं, उनकी मशहूर किताब है किताबुल हुकूक। जब यह किताब छप जाए तो आप अंदाजा करेंगे कि आबिद बीमार ने क्या बतलाया है कि किसका क्या हक है। तो ऐसी मंजिल पर हर एक की मिल्कियत है, उसके कवानीन। कुरान में किताब है, पूरी किताब किताबुल फिका, जिसको बाबुल मीरा कहते हैं। कुरान में मुस्तकिल तौर से बहस, जब मिल्कियत नहीं है तो मीरास कहां है। मुसाइब को तो समझने की कोशिश, जब मिल्कियत नहीं है तो मीरास कहां है। बाप मर जाए तो बेटे का ये हक है, बेटी का ये हक है, चाचा का ये हक है, पापा का ये हक है, जिसे लाओ है आउल ये है, तासीब ये है। अब उन कवानीन में कहां ले जाऊं, आपको मीरास तो साबित है ना। बेटी ने कहा सही नहीं है यह कहना, उन्होंने कहा नहीं सही है। तो ये तो इख्तलाफ ने बतलाया कि कोई चीज किसी के पास थी और साहिब वही ने दिया था। तो आज वो कौन सा इस्लामी निजाम है जो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ छीन लेंगे। वो कौन सा इस्लामी निजाम है जो ये कहते हैं कि हम सब छीन लेंगे। सारी वक्त किस कुरान से, हदीस से, रसूल से। सरकार रिसालत के सामने एक औरत आई और उसने कहा अल्लाह के रसूल सताई हुई हूं। का क्या का मेरे शोहर ने वक्त वाहिद में मजलिस वाहिद में तीन तलाक दे दी और कहा आप कबूल नहीं करूंगा जब तक के मुहल्लिल ना हो दूसरे से निकाह कर। आपने कहा बुलाओ बुलाओ वो सब। तो बे अख्तियार ये जुमला निकला जो अबूल क्या खुदा के दीन से खेलोगे और अभी मैं जी रहा हूं। तलअबून बदीन अल्लाह व अना फीकुम क्या खुदा के दीन से खेलोगे मैं जी रहा हूं। तो ये खेल कब तक, ये खेल कब तक। एक तरफ यह कि कुरान और दूसरी तरफ यह कि सब कुछ ले लो तो फकत गंदम और जौ ही लेने के काबिल है। मैंने टेलीकास्ट करते हुए शाम गरीबा में अर्ज किया था कि फकत गंदम और जौ ही रिस्क नहीं है, अकल भी है, इल्म भी है, फन भी है। तो गंदम और जौ छीनने वाले अकल भी छीन लेना, इल्म भी छीन लें, किसी का अदब भी छीन लें। हर शख्स वो तो नहीं हो सकता। यहां आपने देखा कैसे कैसे हजरात ने अपने अकीदतनामे पेश किए बारगाह सैयद सज्जाद में और उससे उनके इल्म फन का अंदाजा हो रहा था। किस फिक्र पर जाके डॉक्टर यावर अब्बास ने और हमारे मौलाना हसन इमदाद ने या मौलाना सैयद जैनुल हसन ने या हमारे दोस्त मौलाना अली हाकिम ने अपने अफकार पेश किए। छीन लीजिए आप देख रहे हैं, सिर्फ आप इस रिस्क को देख रहे हैं जो मेदे में है। दिमाग का रिस्क का अंदाजा नहीं है आपको। हर शख्स सुकरात नहीं होता, हर शख्स अरस्तु नहीं होता, हर शख्स अफलातून नहीं होता, हर शख्स मूसा और ईसा नहीं है। भूखे मार दीजिए उनको, मगर उनकी दौलतों को आप कैसे लेंगे। और आप इस मामूली सी आरजी दौलत को दौलत समझ रहे हैं। आपने देखा वो कौमें जिन्होंने बाहमी मुसावात का नारा लगाया था वहां भी हर शख्स कोसीजन नहीं है, हर शख्स शेफ नहीं बन सका, हर शख्स लेनिन नहीं हो सका,
बाकी जाते वहां रिस्क को नहीं तोड़ते इल्म के मुकाबले में, इल्म के मुकाबले में रिस्क को नहीं तोड़ते, और अगर रिस्क में उलझ के रह जाओगे, अगर रिस्क में गंदम और जौ के उलझ के रह जाओगे तो हमेशा आखिर से महरूम रहोगे, आखिर कभी साथ नहीं देगी। इसलिए अगर तकसीम का नारा है तो फिर आखिर को भी तकसीम करो, इल्म को भी तकसीम, सबके साथ पीएचडी, सबके साथ डॉक्टर, सबके साथ उलमा। जब इल्म की मंजिल आए तो हम आलिम, वो जाहिल है। आपने देखा इस फर्क के लिए तो दुनिया तैयार है, और इस बात को दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हुजूर अपने इफादात से इतना को सरफराज कर दीजिए कि यह भी आपकी तरफ से हो जाए। कोई है बात में तैयार नहीं? तो ऐसी मंजिल पर यह इंतशार फिक्र, ये मजाहिब फिक्र का तसादुम, ये डाइवर्जेंट आइडियोलॉजी, ये टकराने वाली फिक्रें अक्सरियत ही को नुकसान पहुंचाएंगी। मेरी गुफ्तगु खत्म हो गई। अक्सरियत ही को नुकसान पहुंचाएंगी। हम कम हैं, कमजोर भी हैं, अकलियत में भी हैं। अगर 23-24 घरानों में दौलत है तो उनमें से अक्सरियत के पास वहां होगी दौलत। इसलिए जब अकलियत में है तो एक आधी घराना होगा हमारे पास, तो लूटेगा तो एक ही घराना लूटेगा। मगर जहां बिगड़ेंगे तो बहुत बिगड़ेंगे। तो हमसे ज्यादा वो हैरान है कि बचाएं किस तरह, बचाएं किस तरह। तो हमको हैरान होने, परेशान होने की जरूरत नहीं। कौम को और अपराध कौम को बड़ी खुशी के साथ इस आवाज पर लबैक कहनी चाहिए कि हुजूर जो निजाम आपको पसंद, जिसका दस्तूर आपको पसंद, जो चीज आप पसंद करें, मगर इतना याद रखे कि दुनिया जब फुकहा से खाली होती है तो फिर दो ही हस्तियां रहती हैं, या सज्जन सज्जाद या नहीं। या उधर जाइए या इधर आइए, या उधर जाइए, वो भी कलेमा को है, वो भी मुसलमान है। कत्ल करके आयत पढ़ रहा है कुरान की, तो इज्जो मंतशाओ तुजिल्लो मंतशाओ बेहद कत्मान में भी उलमा है, उसका भी खासी है, उसने कत्ल का फतवा दिया है। तो आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि मजूसी यहूदी नसरानी नहीं है, इस्लाम का नाम लिया जा रहा है। उसी पर गजाली ने कहा कि खबरदार बुरा न कहे, इसलिए कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तो हमको क्या जरूरत पड़ी है इस बहस में कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है या नहीं है, इस वास्ते कि मैं जिस बारगाह में अपने अफकार को नजराना बना रहा हूं उस बारगाह की एक फिक्र है। आबिद बीमार इरशाद फरमाया, अमल को देखना हो तो एक बात याद रखना कि फवाकह में सिद्क हो, खवातिम में वफा हो। फवाकह यानी आगाज, खवातिम यानी अंजाम। आगाज में सिद्क हो, अंजाम में वफा हो तो अमल खैर है। तो हम इस मीजान पर तोलते हैं कि सिद्क को वफा है कि नहीं, सिद्क को वफा है कि नहीं है। दुनिया जिसको चाहे पसंद, दुनिया जिसको चाहे पसंद करे, और मुझे कोई बात, कोई शौक नहीं है। जब अमीरुल मोमिनीन ये कहते हैं कि अली को फिदक से क्या, अली को तो कल मरना है, दुनिया ने एतराज किया कि जब आप हुकूमत पे आए थे छीन क्यों नहीं लिया, अली काहे को छीनते, अली की अकल को तो कयामत तक रहना है, अली
چاہتے تھے ظلم رہ جائے تاکہ دنیا نے کہے گا وہاں ملوکیت کا تصور ہی نہیں تھا کہ آپ نے اپنے دور میں لیا تو ہم نے اپنے دور میں واپس لیا نہیں تم نے لیا کیسے تم نے لیا کیسے اب قیامت تک لے جاؤ اس زخمی ناکے کو جس کے ساتھ آر آر ہی آر ہے یہ سیدہ کا خطبہ ہے اب قیامت تک لے جاؤ اس زخمی ناکے کو اور میرے بچے مانگیں گے نہیں لے جا تو آپ نے دیکھا جب یہ طے ہو چکا تو پھر مسلمانوں کو طے کرنا چاہیے ضیاء جنگ مرحوم حیدرآباد دکن کی ریاست کے صدر صدور ہائی کورٹ کے مشہور قاضی مفتی سینئر جج فارسی میں خوب کہتے ایک مرتبہ کہنے لگے اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد حق زہرا خوردنو دین پیغمبر داشتن اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد حق زہرا خوردنو دین پیغمبر داشتن بس گفتگو ختم ہو گئی ابھی دیکھو کس کس کی گردن پہ حق زہرا ہے کس کس کی گردن پہ حق زہرا ہے اور دین پیغمبر کہاں جا رہا ہے ابھی جب بیمار نے ایک اساس تیار کی اور بتلایا کہ یہ اساس اس اقلیت کے لیے ہوگی تو کبھی کسی وقت بھی دنیا میں جا کے اگر حیران ہو تو مجھے دیکھے فرزند رسول آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی اسیری آپ کا زندان میں جانا آپ کی دعائیں آپ کے سجدے آپ کے قرآن کی تلاوت آپ کا مسلسل حج کو جانا یہ سب ہماری نگاہوں میں حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ سجدے ہوں مگر اتنے سجدے کیے کہ نام ہی سے پتا چلا کہ سجدہ انہی کے لیے تھا انہی کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جس پہ بڑے کام کی ضرورت ہے بڑے ریسرچ کی ضرورت ہے بڑے تحقیقات کی ضرورت ہے کہ اس دور میں کیا کیا کتنے راوی ساتھ تھے آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں کہ کشمیر سے اور سندھ سے امام سید سجادتین کے پاس وفود گئے ہیں وفد گئے ہیں اور اس میں کشمیر کا ایک آدمی امام کے روات میں سے ہے اسی طرح سندھ کا ایک آدمی امام کے روات میں سے ہے اور یہی وہ دور ہے جبکہ سید السجادتین کا پیغام ہندوستان تک اور یہی وجہ ہے کہ سید السجادتین کی اولاد پہلی مرتبہ جو نکلی ہندوستان آئی یہ بڑی عجیب بحث ہوگی اور بڑی طویل بحث کشمیر کی پوری برہمن آبادی مسلمان ہوئی آپ بھی بیمار کے سب کے مزار آج بھی موجود ہے سید علی ہر کشمیری جانتا ہے کہ سید علی کو بالکل اسی طرح داتا گنج بخش آپ بھی بیمار کی اولاد تھی سید علی خود ہوئے بالکل اسی طرح ملتان کی بارگاہ یا اور دوسری بارگاہ یہ سب آپ بھی بیمار سے قربت تامہ رکھتی ہے نسل کے نسل کے اور عجیب بات کہ سب کچھ کیا دین کے فروغ کے لیے فاطمہ کی اولاد اور فائدہ حاصل کیا غیروں نے یہ دستور شروع سے رہا
अली कहते थे खैबर में मैं लाऊं, बदर में मैं जाऊं, हिजरत की रात मैं सोऊं, ओहद में सात अलमबरदारान लश्कर को मैं कत्ल करूं, जब तकसीम का वक्त आए तो यूं बढ़ जाए। आपने देखा ये सब कुछ है तुम्हारी वजह से। यह आखिरी जुमला था मेरा, ये सैयद साजिदीन का सदका है जो आज इस्लाम है। और अगर उसी दिन दरबार असीर होके जब पहुंचे तो ये कह देते कि यजीद घबरा के नहीं, नामू से रसूल की इज्जत रखते हुए कि यजीद अब इन बीबियों को भेज दे मदीना, मैं तेरे साथ हूं, मैं बयात करूं। बस इतनी सी बात थी, इस्लाम किसी और मंजिल पर होता, हलाल से हराम और हराम से हलाल को कोई पहचानने वाला ना हो। मगर ये इसरार कि जो बाप ने कहा वही कह रहा हूं, जो बाप ने कहा वही कह रहा हूं, और नाना के पैगाम की हिफाजत मेरा काम है। आए आजान देने वाले मोहम्मद की कसम रुक जा, और जब वो रुका तो अब यजीद की तरफ पलट के पूछा ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद। उसको कहना पड़ा ये आपके जद का नाम, और दुनिया कयामत तक यही कहती रही ये किसी और के जद का नाम नहीं है। मैंने सब कुछ कह दिया, सब कुछ सुना दिया, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदा उन आज आले मोहम्मद के सदक़े, आबिद बीमार के सदक़े, आपकी ख्वाहिशों तमन्नाओं दुआओं को पढ़ता है, आपके बीमार शिफा पाए, आपके बेरोजगारों को रोजगार ऐसा, आपके परेशान हालों की परेशानियां दूर, आपके मुसाफिर वतन तक, आपके बच्चे परवान चढ़, और आप हर खौफ और खतर से दूर होकर काम करें। यह न डरें कि आगे बढ़ रहे हैं तो कोई पीछे ढकेल दे तो क्या होगा, अब इसकी फिक्र नहीं है। जो कदम राह खुदा में उड़ गया तो उड़ गया, अब वो दोषे मुस्तफा हो या कि अरसे के बगा खुदा हाफिज।